झारखंड लव जिहादियों की फैक्ट्री बनता जा रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में झारखंड लव जिहादियों की फैक्ट्री बनता जा रहा है। जिहादी मानसिकता वाले लोगों को पता नहीं इस सरकार में अपना अपना सरकार वाली फीलिंग क्यों आती है। लगातार सनातनी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है एक विशेष समुदाय के कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों के द्वारा। और जो ताजा घटना है वो झारखंड के चाईबासा जिले के चक्रधरपुर की है, जहां अदनान खान ने खुद को अमित कुमार बनाकर एक जो नाबालिग हिंदू लड़की है उसको अपने झांसे में लिया और लगातार उसका यौन शोषण करता रहा, उसे गर्भवती कर दिया। वहीं भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए झारखंड की गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देश की बेटियों के द्वारा भाजपा सांसद पर यौन शोषण का आरोप लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों और अपने विधायकों से देश की हिंदू बेटियों का शोषण करवा रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों? आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां यौन शोषण का आरोप लगा रही है। कई दिनों से धरने पर बैठी है लेकिन उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि एक सांसद के आगे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुकी हुई है या उसे बचाने में लगी हुई है। और ये लव जिहाद की बात करते हैं, अगर हमारे शासनकाल में अगर इस तरह की घटनाएं होती है या हो रही है तो उसकी जांच भी हो रही है और स्वाभाविक तौर पे उसके दोषी अविलंब गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं, लेकिन हम इस पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में लगातार लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर कहीं न कहीं हेमंत सरकार घिरी हुई है, जिसको लेकर जनता की तरफ से विपक्ष आवाज बुलंद कर रही है। ऐसे में इन मामलों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है ताकि इस पर अंकुश लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज़।